ये सब इलेक्शन स्टंट्स हैं। 4.5 साल से क्या ये समझ में नहीं आया था? इस पर जरूरत पेश आ गई, इलेक्शन सर पे खड़ा है, जनसंख्या का कानून लेके आएंगे, फिर इसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी कानून में उसके प्लस माइनस पॉइंट सारे देखे जाए और इसको वोट पोलराइजेशन का जरिया ना बनाया जाए। हिंदुस्तान की आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या, एसेट भी, दुनिया में जब मंदी आती है हिंदुस्तान में मंदी क्यों नहीं आती? चाहे वो कारें हों, चाहे ट्रक हों, चाहे मोटरसाइकिलें हों, चाहे हवाई जहाज हों, जो भी है वो कंज्यूम करते हैं, और इतने बड़े पैमाने पे जब कंज्यूम होता है तो ये सस्ता तेल खरीद के महंगा तेल जनता को देते हैं, जनता की जेबें खाली हो जाती हैं। हम ये जानते हैं कि जिन मुल्कों ने ये किया था, खासतौर से चीन ने, तो उन्होंने ये देखा कि उनके यहाँ बूढ़े लोग इतने हो गए कि पूरा चीन में बूढ़े की आबादी ज़्यादा हो गई।